थैंक यू आलो फैला रोहिना पूरी टीम पूरी संत की तालीम तबाह है और आपने देखा कि हैदराबाद जो आज से 20-25-30 साल पहले पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था, पहली बात तो वो आठवां बड़ा शहर कैसे हो गया? जो तीसरा बड़ा शहर था वो आठवां बड़ा शहर क्यों बन गया? हालांकि माइग्रेशन पूरे संत से हो रही है हैदराबाद में, जिस तरह दूसरे शहरों से हो रही है। वजह यह है कि जो लोग माइग्रेट करके आते हैं लाड़काना से, दादू से, जैकबाबाद से, थर से, उनको जब हैदराबाद में फैसिलिटीज वही मिलती है जो बिची में है और दादू में है, लाड़काना में है, तो हैदराबाद आते हुए कुछ अर्से के लिए तो फैसला करते हैं, झिझकते हैं, आते हैं, फिर कराची चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ये वापस सकर चले जाते हैं, क्योंकि वो जब दादू से निकल कर हैदराबाद आते हैं तो लोड शेडिंग वही है, तालीम की हालत वही है, रोड वही टूटे हुए हैं, गतर वही, पानी उबल रहे हैं, पानी वही गंदा गतर वाला जहरीला है जो दादू में है, जो सकर में, वैसे जैसा सकर, जैसा शिकारपुर वैसा हैदराबाद, जैसे क्राइम शिकारपुर के रास्तों पर वैसे हैदराबाद। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सुपड़ के अगर कराची भी बंदर का न होता और कराची भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना होता और कराची भी तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर का हेडक्वार्टर ना होता तो लोग कराची भी रहना पसंद न करते, क्योंकि ये संत के जो दोनों बड़े शहर हैं इंक्लूडिंग थर्ड सिटी सक्कर, उसको जिस तरह उनका सत्यानाश किया गया है, तबाह बर्बाद किया गया है, उससे लोगों में कोई चार नहीं मान है। अब जो तालीम है पूरे सिंध में, ये इशू पता नहीं रोहिना को पता है या नहीं है, या अलग ऐलान पे गौर करना चाहता है या नहीं है, या उनके मैंडेट में है या नहीं है, या उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहते, बीच बिचाव करके निकलना चाहते, रास्ते में हम गुजरते ना कासमाबाद गलियों से, इधर गटर होता है, उधर कुत्ता भरा हुआ होता है, उधर एक गंद का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से पांचे ऊपर उठा के सुकड़ सुकड़ के चलते हैं बीच से, तो पता नहीं अलग ऐलान कैसे चलना चाह रहा है कि इसको चोट न लगे, इसकी दिलादारी न हो, यहाँ फला हुक्मरान को हाथ पे कोई छींटे न पड़े, बीच बचाव करके चला जाए, नाम न लिया जाए, किसी का निशानदही न की जाए, 10 साल सिंध की तबाही की। उसमें सिंध का सबसे बड़ा ये इशू इशू नहीं है कि स्कूल कितनी इमारतें हैं, सिंध में इशू यह है कि सिंध में दही इलाकों में जो टीचर मुकर्रर किए गए वो घोष स्कूलों में घोष टीचर स्कूल थे, स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं, भैंसें, गाय, बकरियां, वहां गोडाउन हैं, वहां उन गोदामों में पाड़ना यानी गंदुम की बोरियां जो कब्जे में ली गई है वो पड़ी हुई, वहां पर बेल बंधे हुए, वहां पर जो फ्लड पे कनाते और तंबू आए थे लोगों को देने के लिए वो जमा है, वहां पर जो लोगों के नाम पर इमदाद के सामान आए उनके ढेर लगे हुए हैं, जो बड़े जागीरदार वहां के गर्म वजीर इस्तेमाल करते हैं, स्कूल उनकी होता के बने हुए, उस स्कूल में जो टीचर है वो उस टीचर को उस मोहल्ले उस गांव के बंदे को टीचर रख दिया गया। ये दूसरा बड़ा था कि उस स्कूल में जो शिकारपुर का स्कूल है या जो जैकबाबाद का स्कूल है या खटरा का है वहां टीचर कौन है, उसी गांव के वडेरे, छोटे वडेरे, छोटे आबादकार का भतीजा, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो वडेरा, उसने अपने भतीजे कम पढ़े हुए को वहां टीचर लगवा दिया या उसका दामाद है, अब जब वो नहीं पढ़ाता उसको नहीं आता तो उसके खिलाफ शिकायत नहीं की जाता, उसके खिलाफ जब आप शिकायत करेंगे तो आप उस वडेरे के खिलाफ करेंगे, उसकी बरादरी के और बरादरी के लोग भी नहीं बोलते क्योंकि वो उनकी जात का है, वो जो पटीगंज में टीचर है वो उन्हीं की बरादरी का मिशोरी चांडो कोसो कलीजो जो जो चांडो है, उसके खिलाफ अगर वो शिकायत कर दें कि पढ़ा लिखा नहीं है, क्लास अटेंड नहीं करता, तो उसकी बरादरी नाराज हो जाएगी कि इसको 15,000 का तनख्वाह मिल रही है, 20,000 आप उसको जाया करवा रहे हैं। इसलिए एक इस किस्म का नेटवर्क बना दिया गया है जिसमें एक गाँव के 80 बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, मगर उसके खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती, बरादरी नाराज हो जाएगी। और दूसरी बात तो जो टीचर्स मुकर्रर किए गए हैं उनकी रोहिना आपकी बात से डिस्टर्ब कर रही हूँ, ये जो आपका जो नेटवर्क है स्कूलों का वो नेटवर्क स्कूलों का उसमें जो टीचर्स हैं वो टीचर इनएफिशिएंट और ना आए टीचर जो हैं उनकी वफादारी की तकाजा क्या है कि वो भले पढ़ाई न करें वो अच्छे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बनकर वोटों पे ठप्पे लगते हैं, वो जो टीचर है
इसलिए हमको पीटा जाता है कि तुम मेरिट पे क्यों आए, तुम हमारी सिफारिश पे क्यों नहीं आए। अब दूसरा इशू है, आप ये बड़ी 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 बातें करेंगे, होगा फला होगा, इलम आ गई है, इलम नूर है, इलम हासिल कर, जबरदस्त। अब जो बंदा गांव में बैठा है उसको पता है इलम आ गई है, इलम नूर है, मगर मेरे बच्चे को नौकरी मेरिट पर नहीं मिलेगी, नौकरी टिकी। 12 साल तक वो बच्चे को पढ़ाए और 12 साल के बाद जब वो लम्स या मैरान यूनिवर्सिटी या इसरा में एडमिशन के लिए पहुंचे तो उसको कहा जाए कि सेल्फ फाइनेंस के 50 लाख रुपए, 50 लाख दो तो इसरा में एडमिशन मिलेगा, 50 लाख दो तो लम्स में दाखिला होगा, 30 लाख दो तो मैरान यूनिवर्सिटी में होगा, कायदे आवाम यूनिवर्सिटी में होगा। अब 30 लाख तो नहीं है उसके पास, अब वो क्या करे, प्राइवेट बी ए करे। 12-14 साल पढ़ने के बाद बी ए करके फिर आके वो पान की कैबिन चलाए दारू शाम में, उससे उसको वो 8वीं जमात में फिर दारू शाम में लगा दे पान की कैबिन चलाने में। स्कूल में रियायत भी मिलती है, ईद बकर ईद में एक बकरा भी दे देते हैं उसके वालदेन या भाइयों को जबा करने के लिए, ईद पे अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, बंदा बच्चे को वहां छोड़ कर जाता है। मदारिस में दीनी तालीम अच्छी मिलती है, वहां अगर वहां साइंस होनी चाहिए, वहां आईटी होनी चाहिए, वहां इंग्लिश होनी चाहिए, वो नहीं है। अब जब बच्चा वहां से पढ़ के निकलता है मदारिस से तो वो दीनी मालूम में तो बहुत अच्छा होगा, मगर जब वो नौकरी लेने के लिए किसी आईटी सेंटर पर जाए तो उसके पास वो आईटी की है एजुकेशन नहीं है, कहीं जाए तो किसी कॉल सेंटर पर तो उसके पास वो तालीम नहीं है। तो एक मदारस के पूरे सिस्टम में भी हमें साइंटिफिक चीज़ें लानी होंगी, अगर हम सीखे और इन चीज़ों में आना चाहते हैं तो हमें आईटी और टेक्नोलॉजी और मदारस के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करनी होगी। और जो स्कूल उन स्कूल में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कोई सब्जेक्ट शामिल करना होगा। ये जो रोहिना ने बात की बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने बताया इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। रोहिना ने आपको बताया कि हैदराबाद में जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 310 के करीब हैं और जो मिडिल स्कूल है वो 71 हैं और जो हाई स्कूल्स हैं वो 60 हैं। 310 में से 60 बन गए प्राइमरी से हायर तक आते हुए, यानी 20%। 80% बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जो थे वो 100% में से 80% दोनों गए हायर तक आते हुए, यानी आपकी प्राइमरी तालीम से हायर एजुकेशन तक आते हुए आपके 80% बच्चे गुम हो गए। हाथ में क्या सूरतें थी जो कि पिना हो, वो जो बूंदे थी, वो जो सीट था बच्चों का जिनको पता नहीं क्या क्या करना था, वो रास्ते में गुम हो गए। उनमें से कुछ के पेरेंट्स के पास होगा बीकन हाउस और सिटी स्कूल के लिए बजट, मगर वो चिंची चलाने वाला ठेला चलाने वाला कहाँ पहुंचाएगा उस बच्चे को, वो गुम हो गया, वो चला गया। शहर के हैदराबाद के जो सिंधी और उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं उनको आप जाके देखें, कोई चिंची चला रहा है, कोई अपने क्लास का, कोई कालीनों के कारखाने में काम कर रहा है, कोई किसी कढ़ाई की होटल पर रात को बहरा बना हुआ है, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, उनका मुस्तकबिल तबाह है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है। उसके लिए एजुकेशन में जबरदस्त आप रिफॉर्म किए हैं। ये प्राइवेट स्कूल जो है इनमें से जो बच्चा बीकन और सिटी से पढ़ के निकलेगा उसका जो इंग्लिश एक्सेंट होगा, उसको जो इंटरनेशनल पता होगा, उसको जो ओजोन का पता होगा, उसको जो एवोल्यूशन का पता होगा, उसको जो बड़े आलमों का पता है, उसको जो पता है कि किस तरह अमेरिका में दाखिला मिल जाएगी, आईलेट किस तरह किया जाएगा, टॉपिल कैसे होगा, वो तो आईलेट और टॉपिल के लिए पहले से ही क्वालिफाइड है, वो पहले से ही वेल इक्विप्ड है कि वो सिर्फ फॉर्म भरे और आईलेट पास कर ले टॉपिल पास कर ले। और ये जो बच्चा गवर्नमेंट हाई स्कूल से निकलेगा गड़ी शहरों से और जोई से, वो बच्चा आईलेट्स तो उसके तस्वर में नहीं है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो मास्टर्स नहीं कर सकेगा, वो पीएचडी नहीं होगा, वो एमफिल नहीं करेगा, वो यहीं रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए ये जो पूरा सिस्टम
लेके आते हैं, पर क्वार्टरली किस्त है कि ये वाइस चांसलर हर क्वार्टर में 2 करोड़ 5 करोड़ ज्यादा देगा और फला फला नौकरियां ऊपर से हमें देगा और सिंडिकेट पे और सेनेट यूनिवर्सिटीज के उनमें ये काम करवाएगा। अब जब ट्रांसपोर्ट कैसे देगा वीसी? अब केस में है कि सिंध की बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो प्वाइंट बसेस चलती है वो वीसी फायदा किसको देगा? आपको पता है कि जान करो कि यूनिवर्सिटियों के प्वाइंट बसों का ठेका किसके पास है? जहाँ नीचे बच्चे आके स्टूडेंट आके थक के मर जाते हैं उन बसों के नीचे, वो ठेके भी हुक्मरानों के पास है। इसके पूरे सिंध को एक लेबोरेटरी बनाकर वहां पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं करप्शन के नए नए, किस तरह माल खाया जा सकता है। इसलिए इस मामले में आप सिर्फ एहतियात शुमार से काम नहीं चलेगा। किताबें जाकर तकसीम करके आएंगे, किताब पढ़ेगा तो हजार किताबें जाकर तकसीम करके आएंगे किसी गाँव में, वो हजार किताब उठा के लोग डब्बे में दूसरे के ढेर में फेंक देते हैं, उसमें से जहाज बना के बच्चे खेल रहे होते हैं, छोले खा रहे होते हैं उसमें। तो किताबें वगैरह दें मगर करप्ट सिस्टम को एड्रेस करें। आप मेहरबानी करके मुझसे तो मिल रहे हैं, भाइयों से मिल रहे हैं, हम सब पार्टियों के पास जाएं। हमें सिर्फ ये न कहें कि एजुकेशन पे आपके एजेंडा क्या, एजेंडा क्या तुम्हारा एजेंडा? मैं ये दूंगा कि ये लोग आम करेंगे, ये लोगों को पढ़ाएंगे। मुझे पता है कि एजुकेशन का मिनिस्टर ही करप्ट है, सेक्रेटरी एजुकेशन करप्ट है, टीचर करप्ट है, प्रिंसिपल्स करप्ट है, सारा सिस्टम करप्ट है, उसमें मैं क्या जाके करूंगा? इसलिए आप अलग ऐलान एक मुहिम चलाए पूरे पाकिस्तान में कि आप बाकी शोबों में माल खाना चाहते हैं जाके खाएं, जो बड़ी पार्टियां